वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीजें रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार अपनत्व नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। ऐसे में आइए आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। नंबर एक, टूटा शीशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण स्त्राव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। नंबर दो, टूटी या बंद घड़ी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसी में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा ले या फिर उसे हटा दे। नंबर तीन, एंटिक चीजें। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटिक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियाँ और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसलिए एंटिक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नंबर चार, पुराना कैलेंडर। वास्तु शास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है, इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर पाँच, सूखे फूल। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटा कर ताजे फूल लगा दें। नंबर छह, उलझे हुए तार। वास्तु के अनुसार डेस्क पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन चार्जर या अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को उलझा कर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। नंबर सात, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह कलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। नंबर आठ, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे पुराने कपड़ों की एक पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को या तो दान में दे देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर नौ, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां शाप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की तीन तीन मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है, इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर दस, घर की छत रखे साफ। घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 11, टूटी हुई अलमारी। टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है, इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। बेवजह खुली हुई अलमारी काम में रुकावट आती है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है।
नंबर 12 मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है, इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दे, अन्यथा ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर साफ करना जरूरी होता है। नंबर 13 तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, डूबती नाव, नग्न जंग में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैद हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीरें भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 14 खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से एक खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं है। मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। नंबर 15 पुरानी डायरी। पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग नहीं करते उन्हें घर पर ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर फेंक दें। नंबर 16 पुराने अखबार। ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठे किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितना जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर फेंक दें या कबाड़ी को दे दें। नंबर 17 खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं, इसलिए घर में खराब पुराना ताला न रखें। ऐसे में तुरंत इन तालों की मरम्मत करवाएं या इन्हें हटा दें। नंबर 18 दीवारों में दरार। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं। वास्तु शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग बनाती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी वास करवाते हैं। नंबर 19 शोर करते दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे में घर का सारा पैसा घर के कलेशों को सुलझाने में लग जाता है, साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजों को ठीक करवाना चाहिए। नंबर 20 बहता हुआ नल। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगहों पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। नंबर 21 खराब जूते चप्पल। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं, इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। नंबर 22 टूटा हुआ फर्नीचर। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 23 जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तु शास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।
अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।